ये है बिहार का स्पेशल लिट्टी चोखा, जिसे आप भी अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योशु फैमिली किचन में। चलिए आज हम बनाते हैं बिहारी स्टाइल का लिट्टी चोखा। इसके लिए हमने लिया है 2 कप सत्तू, जिसमें हमने अचार का मसाला मिलाया है। अब हम इसमें 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, सौंफ, कलौंजी, अदरक जिसे कूट लेंगे, सरसों का तेल, 4 कली लहसुन के डालकर सभी को मिक्स कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। हमारा लिट्टी के लिए मसाला तैयार हो गया है, तो अब हम चोखा बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक गोल बैंगन लिया है, जो सब्जी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसे हम मीडियम आंच पर गैस पर भून लेंगे। और साथ ही दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। बढ़ते हैं वीडियो पर। जब तक हमारा बैंगन भून रहा है, तब तक हम लिट्टी के लिए आटा लगा लेते हैं। हमने लिया है 2 कप आटा, जिसमें हमने डाला है क्रश किया हुआ अजवाइन, नमक, खाने का सोडा और मोवन के लिए रिफाइंड ऑयल। सबको डालकर डो तैयार कर लेंगे। अब हमारा बैंगन भुन चुका है, इसे गैस से उतार लेंगे और कुछ देर के बाद इस तरह से इसके छिलके अलग कर लेंगे। दोस्तों, पहले हम लिट्टी बनाएंगे। इसके लिए इस तरह से आटे के गोले तैयार कर लेंगे और इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था उसे भर लेंगे और सभी को तैयार कर लेंगे। अब इनको सेकने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे बाटी वाले कुकर का यूज किया है। इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुकर को गैस पर रखकर गरम होने देंगे, फिर एक एक करके सभी लिट्टी रखेंगे। अच्छे से सेकने के लिए कुछ देर ढककर रख देंगे और बीच बीच में चेक करते रहें, जिससे लिट्टी जल न जाए। जब लिट्टी पक जाए तो एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अपना चोखा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने कुछ उबले हुए आलू लिए हैं और इसमें हम भुना हुआ बैंगन, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और सरसों का तेल डालेंगे, जिससे स्वाद और बढ़ जाएगा। और बाद में नमक अपने स्वादानुसार डाल लेंगे। सभी को मिक्स करके चोखा तैयार कर लेंगे। अब हमारी लिट्टी और चोखा दोनों तैयार है। अब आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।